नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम परज का एक नए वीडियो में। मेरा नाम है विशाल विदाटे और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड के बारे में। यस दोस्तों, ये फुल्ली हाइब्रिड गाड़ी है जिसमें आपको पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी मिल जाती है और ये अल्फा प्लस वेरियंट है। इसकी अगर आप कीमत देखोगे, क्या फीचर है इसमें, आज के वीडियो में हम डिटेल में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम कार कंपेरिजन देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऐसी कुछ दिखती है आपकी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। और ये जो गाड़ी है ना, ये मारुति की लाइनअप में सबसे जो एसयूवी सेगमेंट है ना, जिसे हम प्रॉपर एसयूवी कहते हैं, उसी सेगमेंट में ग्रैंड विटारा को उतारा गया है। और ग्रैंड विटारा अगर आप नाम देखोगे तो पहले भी मतलब कुछ साल पहले मारुति सुजुकी ये गाड़ी इंडिया में बेचा करती थी, वो डायरेक्टली जापान से यहाँ पे इंपोर्ट करके ग्रैंड विटारा यहाँ पे सेल होती थी। ये जो गाड़ी है ना, ये पूरी भारत में ही बनाई गई है और फुल्ली लोकली असेंबल ये गाड़ी है। सो फ्रंट से अगर देखोगे तो ऐसा कुछ आपको लुक यहाँ पे दिखाई देता है। जो ग्लोबली एस क्रॉस है उसका जो आप ग्रिल का डिज़ाइन देखोगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलता है। सुजुकी का लोगो, यहाँ पे एक कैमरा है क्योंकि गाड़ी में जो 360 डिग्री कैमरा का फीचर है वो दिया जाता है, तो आपको फ्रंट कैमरा यहाँ पे भी मिल जाता है। और ये ग्रिल अगर देखोगे तो क्रोम का वर्क यहाँ पे हुआ है, अच्छी खासी बड़ी आपको यहाँ पे ग्रिल मिल जाती है। यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह है। स्क्रीन प्रिंट देखोगे तो ऐसे कुछ आपको स्क्रीन प्रिंट यहाँ पे मिल जाती है। और ये DRL देखोगे ना तो ये एज ए फंक्शनल इंडिकेटर भी काम करते हैं, ताकि एक अच्छा मतलब ये जो लुक है ना, ये क्यूब टाइप जो डिज़ाइन है ये भी आपको अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। और हेडलैम्प का अगर डिज़ाइन देखोगे तो ऐसा कुछ आपको HID LED प्रोजेक्टर यहाँ पे मिल जाते हैं, हाई बीम लो बीम इसमें दिए गए। और ये साइज़ अगर देखोगे ना, ये भी अच्छी खासी मतलब प्रॉपर साइज़ है, कोई भी ऐसा ओवर हो गया ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलता। बाकी ऐसा कुछ फ्रंट से आपको जो डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो ग्लास है ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और दो वाइपर दो वॉशर यहाँ पे दिए गए। साइड से अगर देखोगे तो ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाता है। गाड़ी की पूरी अगर आप लेंथ देखोगे ना तो 4.3-4.5 mm आपको यहाँ पे लेंथ मिल जाती है, और व्हील बेस 2600 mm का आपको व्हील बेस यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे अलॉय व्हील का डिज़ाइन अगर देखोगे तो 17 इंचेस का है। और टायर प्रोफाइल देखोगे आप, 215/60R17 के जो टायर है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्रंट साइड में डिस्क ब्रेक, रियर साइड में भी आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिए गए जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये गाड़ी 2-wheel drive में है, इसका ऑल ग्रिप एक 4-wheel drive भी वर्जन आता है, जो कि अगले कुछ दिनों में मैं आपको इसका वीडियो भी लेके आऊँगा। बाकी ग्लास एरिया देखोगे तो ऐसा कुछ आपको बड़ा ग्लास एरिया यहाँ पे मिल जाता है। फ्यूल टैंक 45 लीटर का आपको फ्यूल टैंक पेट्रोल इंजन में यहाँ पे मिल जाता है। और ऊपर की तरफ जो सनरूफ है वो भी आप देख सकते हो, और ये जो रूफ रेल्स है सिल्वर कलर में, अच्छा खासा जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो साइड से देखोगे तो ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाता है। और को ड्राइवर साइड में आपको जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और एक मुद्दे की बात, गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा का जो फीचर है वो भी दिया गया है, और वहाँ पे आप कैमरा भी देख सकते हो। और वॉल्यूम देखोगे तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है और इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी ये हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ साइड से आपको डिज़ाइन मिल जाता है। रियर से देखोगे तो रियर से ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको प्रॉपर एक SUV और एक प्रीमियम फील आपको पीछे से ग्रैंड विटारा का जरूर देखने को मिलता है। ग्रैंड विटारा की बैजिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो डिज़ाइन है लाइट का, ये भी अच्छा मतलब बड़ा डिज़ाइन है। मैं आपको ना एक बार ये डिज़ाइन मतलब जो लाइट्स है वो ऑन करके दिखाता हूँ, ताकि आपके भी ध्यान में आ जाए कि ये जो लाइट है वो कैसी जलती है। तो लाइट्स अगर देखोगे तो ऐसा कुछ आपको प्रॉपर डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाता है। और नीचे अगर देखोगे टर्न इंडिकेटर और जो वाइट येलो बल्ब है, अगर आप रिवर्स गियर डालते हो तो ये रिवर्स जो येलो बल्ब है ये लग जाता है, और रिफ्लेक्टर रेड में आप यहाँ पे देख सकते हो। और दो रिवर्स पार्किंग सेंसर, यहाँ पे एक कैमरा भी दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और वाइपर वॉशर हाई माउंटेड स्टॉप सिग्नल शार्क फिन एंटीना भी यहाँ पे देख सकते हो, और रियर डिफॉगर भी इसमें दिया गया है। और हाइब्रिड की जो बैजिंग है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये गाड़ी अगर देखोगे तो स्मार्ट हाइब्रिड, हाइब्रिड और ऑल ग्रिप, ये तीन ऑप्शन के साथ आपको मिल जाती है। ये जो हाइब्रिड वर्जन है ना, इसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल इंजन भी दोनों मिल जाते हैं। और ये इस लाइनअप में सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी रहने वाली है। इसका एवरेज भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, क्योंकि एवरेज अगर देखोगे तो 28 का जो एवरेज है यहाँ पे कंपनी ने क्लेम किया है।
और इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी है और इलेक्ट्रिक बैटरी, मतलब जो बैटरी सेटअप है वो भी इसमें दिया गया है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो पीछे अगर देखोगे तो यहाँ पे बैटरी सेटअप दिया गया है, और ये अगर स्टेप देखोगे तो यहाँ पे बैटरी सेटअप आपको मिल जाता है। और ये बैटरी सेटअप है ना, जो इंजन के साइड में इलेक्ट्रिक मोटर है उसको सप्लाई देता है, और ये गाड़ी पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक मोटर के साथ भी रन होती है, ताकि आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे मिल सके। बाकी बूट स्पेस देखोगे तो 255 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है, और जो रेगुलर वर्जन है स्मार्ट हाइब्रिड या फिर आप ऑल ग्रिप लोगे तो वहाँ पे आपको 355 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो स्पैनर और जो जैक वो यहाँ पे दिए गए, और जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पे नीचे इंस्टॉल किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और बूट में आपको यहाँ पे एक लैंप मिल जाता है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, और यहाँ पे एक जो हुक है वो यहाँ पे दिया गया है, पार्सल ट्रे भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कुछ था बाहर के साइड से। जो इंटीरियर वगैरह है ना, मतलब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा है ना एडवांस लगती है। जो फीचर इसमें दिए गए हैं, जो एलिमेंट है, जो हेडलैम्प अगर देखोगे या रियर साइड से देखोगे तो भी गाड़ी आपको अच्छी खासी स्टैंड आउट लगती है, एक प्रीमियम फील आपको ये गाड़ी ज़रूर देती है। बाकी एक बार हम इंजन पे देख लेते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का जो मेन पार्ट रहने वाला है वो इंजन रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जो इलेक्ट्रिक मोटर है और पेट्रोल इंजन वो भी इसमें दिया गया है। तो दोस्तों ये है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड का इंजन बे, और इसमें अगर देखोगे तो ये जो पार्ट है ना ये पेट्रोल इंजन है, और यहाँ पे देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक मोटर है। अभी ये काम कैसे करती है, बेसिकली जो मैंने आपको पीछे बैटरी सेटअप दिखाया था ना, तो वहाँ से बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है, और ये स्टार्ट में आपको इलेक्ट्रिक पे स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक पे ही रन होती है। बट जब ये पीछे जो बैटरी सेटअप है वो डिस्चार्ज हो जाता है, तभी ऑटोमेटिकली जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी देखोगे आप तो इंजन स्टार्ट हो गया है, और ये कुछ देर के बाद इंजन पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाला जो बैटरी सेटअप है वो यहाँ से अभी चार्ज हो रहा है, वो जब फुल्ली चार्ज होगा तब जो पेट्रोल इंजन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ये साइकिल चलती रहती है, जब भी आप रोड पर गाड़ी लेके जाते हो तो ये साइकिल चलती है, और इसमें आपको जो एवरेज है ना वो अच्छा खासा मिल जाता है। अभी देखोगे तो जो पेट्रोल इंजन है वो बंद हो गया है, और इलेक्ट्रिक मोटर सिर्फ चालू है, आप आवाज़ देख सकते हो। तो ये जो आवाज़ है वो इलेक्ट्रिक मोटर की आवाज़ है। तो ऐसा कुछ साइकिल चलता है। और इसके अगर पावर फिगर देखोगे तो पेट्रोल इंजन में इसकी पावर फिगर है 91 BHP और 122 Nm टॉर्क, और जो इलेक्ट्रिक मोटर का पावर फिगर है वो 79 BHP और 141 का Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है। और माइलेज अगर देखोगे तो 27.97 का एवरेज इसमें क्लेम किया गया है, ताकि मतलब पेट्रोल इंजन में अगर आप 28 का माइलेज देखोगे तो भारत में कोई भी गाड़ी नहीं है जो आपको इतना माइलेज देती है पेट्रोल इंजन में। तो ये जो माइलेज है ना ये भी आपको अच्छी खासी हेल्प करता है आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और एक पेट्रोल इंजन में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये गाड़ी जो इंजन है ये ऑफर करती है। अभी ये इंजन सेटअप देखोगे तो ये टोयोटा से सोर्स है, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि मारुति सुजुकी, मतलब सुजुकी और टोयोटा का जो टाइप है उसमें वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म अगर गाड़ी का देखोगे तो ये अपने ब्रेजा का प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म सेम टोयोटा हाइराइडर भी शेयर करती है, और टोयोटा इसमें आपको ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसमें ऑफर करता है। तो ये कुछ था इंजन बे में। अभी हम एक बार जो अंदर का इंटीरियर वो चेक कर लेते हैं। तो ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है, ताकि आपकी अगर जेब में चाबी हो तो आप गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हो। चाबी अगर देखोगे तो ऐसे कुछ आपको चाबी मिल जाती है, लॉक अनलॉक के बटन यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी डोर हैंडल पे देखोगे यहाँ पे ना ये लेदर जो वर्क है वो ब्लैक में आप देख सकते हो, वाइट में स्टिचेस है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो, बाहर की जो ओवर में वो आप फोल्ड अनफोल्ड यहाँ से कर सकते हो, और एडजस्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। डोर हैंडल देखोगे तो वो क्रोम का वर्क यहाँ पे किया गया है, और ये जो ड्राइवर सीट है ना ये मैनुअली आप हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इसमें दिया गया है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकली होना चाहिए था बट ठीक है, मैनुअली भी है। और ये जो सीट है ना ये लेदरेट सीट आपको यहाँ पे मिल जाती है, और फ्रंट दो सीट है वो आपको वेंटिलेटेड सीट यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे ईवी मोड और ड्राइव मोड आप बटन देख सकते हो। बाकी यहाँ पे HID जो HUD डिस्प्ले, हेड अप डिस्प्ले वो भी यहाँ पे मिल जाता है, बट यहाँ पे ना ये वर्क नहीं कर रहा है, बट आपको यहाँ पे जो हेड अप डिस्प्ले वो मिल जाता है।
और यहाँ पे इंजन पुश्ता स्टॉप बटन, और ये जो बटन अगर प्रेस करोगे तो यहाँ से आपको जो 360 डिग्री का व्यू है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी में चार कैमरे यूज़ हुए तो आपको 360 डिग्री कैमरे का जो फीचर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और रियर साइड का अगर आप कैमरा की क्वालिटी देखोगे तो ऐसी कुछ आपको क्वालिटी यहाँ पे मिल जाती है, ठीक ठाक क्वालिटी आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। बाकी एनर्जी फ्लो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पिछली वाली बैटरी है वो कितनी चार्ज है। तो अभी भी मैंने गाड़ी स्टार्ट ही रखी है तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो बैटरी हो ग्रीन में दो पॉइंट में आपको यहाँ पे बैटरी सेव है। अभी ये पूरी जब कम हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली जो पेट्रोल इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी स्टेयरिंग व्हील देखोगे तो ऐसा कुछ आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, कोई भी डी कट नहीं है, पूरा राउंड शेप में है, लेदर कवर के यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ से ना ये मेनू चेंज कर सकते हो, और वॉल्यूम अप डाउन म्यूट और क्रूज कंट्रोल के जो बटन है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और यहाँ से आप जो फ़ोन रिसीव कट है वो कर सकते हैं। अभी देखोगे तो यहाँ पे एक ही पॉइंट रह गया था तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो एनर्जी फ्लो है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ऐसा कुछ है। बाकी ये अगर देखोगे ये पूरी स्क्रीन है, यहाँ से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, पर मैं जूम कर लेता हूँ। ओके सो यहाँ पे देखोगे तो फ्यूल इकोनॉमी और उसके बाद एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और एनर्जी फ्लो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता है। यहाँ पे स्पीड देख सकते हो, अभी पार्किंग में है, इको पावर और सीएचजी ऐसे मोड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो टेम्परेचर और फ्यूल कितना है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये ना कुछ मतलब आपको है ना थोड़ा सा एडवांस डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्क्रीन अगर देखोगे तो ये भी आपको बड़ी स्क्रीन यहाँ पे मिल जाती है, और जो लेआउट है ना इसका वो भी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है। मतलब आपको जो भी कनेक्ट वगैरह करना है या फिर सेटिंग में जाओगे तो रिस्पॉन्स अगर देखोगे इसका ये भी आपको अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, ताकि आप कौन से टायर में अगर प्रेशर कम है तो वो आप इजीली यहाँ पे देख सके। बाकी एसी वेंस का डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हो, फुल्ली ऑटोमेटिक एसी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, 12 वोल्ट का जो पावर सॉकेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और यूएसबी पोर्ट भी है। नीचे एक पैड भी दिया गया है जो कि आप वायरलेस चार्जिंग को कनेक्ट कर सकते हो। गियरबॉक्स देखोगे तो सीवीटी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में है। बाकी यहाँ पे जो मोड्स है और वेंटिलेटेड सीट के जो बटन्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दो कप होल्डर है, हैंड ब्रेक, और ये जो आर्मरेस्ट है ना ये आप स्लाइडिंग भी कर सकते हो आगे पीछे, ताकि आप अपने बेस्ट पोजिशन के अनुसार यहाँ पे सेट कर सके। और यहाँ से ग्लव बॉक्स देखोगे तो वो भी आपको ठीक ठाक बड़ा यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे भी लेदर का जो ब्लैक लेदर है वो यूज़ किया है, सॉफ्ट टच मटेरियल है। बाकी यहाँ पे देखोगे तो हार्ड प्लास्टिक जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। बाकी आयरन देखोगे तो इलेक्ट्रिक आयरन, और इंडियंस का फेवरेट आपको यहाँ पे सनरूफ भी मिल जाता है, और पैनारोमिक सनरूफ है जो आपको जो पैनारोमिक सनरूफ है वो ऑफर करती है। और ये बहुत वाइड ओपन होता है, अगर आप देखोगे ना तो बहुत वाइड ओपन होता है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बच्चे खड़े करते हैं और फुल स्पीड में गाड़ी चलाते, ये बहुत रिस्की होता है। तो आप बच्चों को सनरूफ में खड़ा मत कीजिए, क्योंकि अगर कुछ इंसिडेंट्स होता है तो उसके जो मतलब परिणाम है वो भी बहुत डेंजरस होते हैं। बाकी यहाँ पे देखोगे तो एक वेनिटी मिरर है, और लाइट भी यहाँ पे दी गई है। तो सनग्लास होल्डर और हैलोजन में लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ था फ्रंट साइड से, अभी रियर साइड में क्या कुछ मामला है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ये सीट अगर देखोगे तो मेरे ड्राइविंग जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग सेट कर लिए। तो पीछे वाले साइड में देख लेते हैं कि एक बार क्या स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। डोर में देखोगे 1 लीटर की बॉटल आप रख सकते हो। यहाँ पे भी लेदर का वर्क किया गया है, सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पे पियानो फिनिश, आप जो विंडो है वो रोल अप रोल डाउन कर सकते हो यहाँ से। आर्मरेस्ट भी है, और स्पेस अगर देखोगे तो स्पेस आपको अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। रियर एसी, और नीचे अगर देखोगे आप तो यहाँ पे टाइप ए यूएसबी और टाइप सी के जो पोर्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे जो दो पोर्ट है वो दिए गए हैं। एसी के जो कंट्रोल है आप यहाँ से भी एसी कंट्रोल कर सकते हो, और पिछले वाले जो हेडरेस्ट है वो भी आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं, ताकि आप एडजस्ट कर सके। बीच वाला जो है वो छोटा है, और साइड वाले दो बड़े आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये एक अच्छी बात है सेफ्टी के
हिसाब से अगर देखोगे आप तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाता है। और ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पे लाइट्स देखोगे तो हैलोजन में आपको लाइट्स यहाँ पे दोनों साइड में आपको लाइट्स मिल जाती है। तो दोस्तों ये कुछ था ग्रैंड विटारा हाइब्रिड के बारे में। अभी ये फुल्ली हाइब्रिड गाड़ी अल्फा प्लस एक टॉप वेरिएंट है, तो आपको स्मार्ट हाइब्रिड और ऑल ग्रिप जो फोर व्हील ड्राइव है और ये हाइब्रिड फुल्ली हाइब्रिड ये टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसकी अगर आप कीमत देखोगे एक शोरूम कीमत तो 19,49,000 मतलब 19,50,000 रुपये इसकी एक शोरूम कीमत है। ऑन रोड पे अगर इसकी अगर आप कीमत देखोगे तो 23 लाख रुपये इस वेरिएंट की कीमत है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक मोटर भी यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों ये कुछ था वीडियो में, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।